क्या आप लोग का आज का एजेंडा अगर इस तरह से कहे तो? देखिए, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग नहीं है, महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक हम दिल्ली में आज बुला रहे हैं, कांग्रेस और शिवसेना, और अभी मुझे पता चला कि एनसीपी को भी बुलाया है, तो हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र में तीन प्रमुख पार्टी है और सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा होगी। आज अपने अपनी जो बातें हैं या जो लिस्ट है, कौन कहाँ से लड़ सकते हैं, उस बारे में आप खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहाँ लड़ने जा रहा है। एक दो सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि 14 या 15 तारीख को दिल्ली में उद्धव ठाकरे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आप लोग की मुलाकात होनी है शरद पवार की, और इसमें फाइनल पहले आज प्रिलिमिनरी चर्चा है वो पूरी होने दीजिए, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम देख लेंगे। दूसरी तरफ सर, एक तरफ आप लोग आज मीटिंग करने जा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों को लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बोला है कि जो एस्पिरेंट है महाराष्ट्र में चाहते हैं। जी महाराष्ट्र में देखिए, ये तो हर पार्टी करती है अपने राज्य में, शिवसेना ने भी किया है, 48 सीट पर हमने भी पूरा जायजा लिया है कि हम कहाँ कहाँ मजबूती से लड़ सकते हैं, एनसीपी ने भी किया है, हर पार्टी करती है, उसमें गलत क्या है। दूसरा, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाला है उसको लेकर केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने सवाल किया है कि मुझे समझ में नहीं आता इनके यात्रा का क्या मतलब है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा तो हम लोग का चल, उनको तो सिर्फ न्याय को खत्म करना यही मालूम है। बिल्किस बानो प्रकरण में क्या हुआ है, न्याय की कैसी हत्या हो गई है, ये आपने देखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, न्याय यात्रा का मकसद यही है। एक आखिरी सवाल सर, इंडिया ब्लॉक में अभी तक कन्वीनर को लेकर, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, इसको लेकर जेडीयू लगातार मांग कर रही है कि समय निकलता जा रहा है, कोई ना कोई। देखिए, सबसे पहले सीट शेयरिंग हो जाएगी। नीतीश कुमार जी के बारे में किसी के मन में कोई संदेह या मतभेद नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।